दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुए हमले को लेकर आज फरीदाबाद के आप कार्यकर्ताओं ने बीके चौक पर इकट्ठा होकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका, जिस पर उन्होंने साफ शब्दों में भाजपा सरकार को चेताया है, अगर भाजपा सरकार की यह गुंडई बंद नहीं हुई तो हमारा यह आक्रोश बड़े स्तर पर पहुंचेगा। वहीं बीके चौक पर फरीदाबाद के तमाम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता मौजूद रहे। उन्हीं आम आदमी पार्टी के फरीदाबाद नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार ओपी वर्मा से हमारे संवाददाता ने बात की। आइए जानते हैं कि ओपी वर्मा ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल जी और पर जो हमला हुआ कल दिल्ली के अंदर, उसकी आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन के रूप में रोष प्रकट कर रही है। और हमारा देश महात्मा बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का देश है। यहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं। कल अरविंद केजरीवाल जी के वहाँ पर जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने, बीजेपी ने शासन प्रशासन के मौजूदगी में हमला किया है, उसका पूरा देश निंदा कर रहा है और आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, घोर निंदा करती है। अगर राष्ट्रपति गवर्नर इसमें संज्ञान नहीं लेंगे, क्या पब्लिक आएगी? और इस प्रकार लोकतंत्र के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, उस धीरे धीरे हमारे क्रिकेट के मैदान, हॉकी के मैदान, फुटबॉल के मैदान युद्ध मैदानों में बदल जाएंगे। आज लोकतंत्र आपस में हिंसा के साथ नहीं, लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, हमारे को अपने जनता का विश्वास जीत के लोकतंत्र में आना चाहिए, ना कि किसी के। अब जैसे हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल की, पंजाब में जीत हासिल की, अब पार्टियां बुखला रही हैं। इस बुखलाने से कोई काम नहीं चलेगा। जनता के विकास कार्य करो, जनता के दुख दर्दों को दूर करो, जनता की सेवा करो, अपने आप ही लोकतंत्र जनता आपको चुनेगी। इस प्रकार के हमलों से कुछ नहीं होने वाला और इसका मुंह तोड़ जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। ये बीजेपी बिल्कुल डर रही है, पीछे हट रही है और हमले कर रही है। भारत माता की।